तो केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, ये मुकाबला कोलकाता में है और जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल की हकदार होगी, वो महेंद्र सिंह धोनी की टीम के साथ खेलेगी। अमित भाई, आपकी फेवरेट टीम कौन सी, कौन सी टीम जीत रही है इस मुकाबले को, सीधा सवाल मेरा। मुझे केकेआर लगती है क्योंकि होम एडवांटेज, क्राउड साथ और कंडीशंस को जानते हैं जी। वहीं हैदराबाद को बाहर से आके खेलना है और जब आप बाहर से आके खेलते हो एक मैच हार के आए हो, या एक टीम जीत के खेलेगी एक टीम हार के खेलेगी, लेकिन यहाँ पे तो हराया हुआ है ना सनराइजर्स हैदराबाद ने, केकेआर को उनके घर में रहा है, 5 विकेट से जीत हासिल की। देखिए हराया वो लीग स्टेज था, ये ऐसा स्टेज है जहाँ मोमेंटम बनता है। आप लास्ट के 4 मैच देखें हैदराबाद हारती नजर आ रही है, 4 मैच जीते हैं केकेआर, तो वही चीज़ है, एक जीत रही है हार रही है, बट जहाँ पर टीम स्ट्रांग मुझे ऑन पेपर इसलिए नजर आ रही है केकेआर, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप इनकी बैटिंग की बात करो या इनकी बॉलिंग की बात करो, इनका पूरे जो फिलिंग द ब्लैंक से भरे हुए हैं, अगर आपकी ये चीजें पूरी भरी होती है तो बैटिंग कैसे आपके केकेआर की स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, सिर्फ क्रिसलिन को आप देखिए 40 तक बना लेते हैं रन, सुनील नारायण आपके 20-25 रन के खिलाड़ी हैं, दिनेश कार्तिक जरूर मिडिल ऑर्डर में कुछ रन बना लेते हैं, अदरवाइज नीतीश राणा 1-2 मैच में चले, रॉबिन उथप्पा 1-2 मैच में चले, बल्लेबाजी में इनके भी प्रॉब्लम है। देखिए मैं मानता हूँ कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं बल्लेबाज, हर टीम के कभी 6 बल्लेबाज कभी नहीं चलते। अगर आप एनालाइज करो कि 14 लीग के मैच हुए उसमें आपको प्लेयरों ने कितने जिताए, उसके अंदर मैं अगर सोच सकता हूँ नीतीश राणा के 2 मैच हैं जी, 2 मैच सुनील नारायण के हैं, 1 दिनेश कार्तिक के जब और रसल के हैं, जब आप मैन ऑफ द मैच काउंट करोगे विनिंग के अंदर तो बैट्समैन के ज़्यादा नजर आएंगे, तो वो मैटर ज़्यादा करता है कि आपके पर्टिकुलर, आप कभी देखेंगे 6 के 6 प्लेयर कभी एक मैच में चलते नहीं है, या आपके 2 प्लेयर भी चलते हैं तो आपका स्कोर 170 तक पहुंच जाता है। तो ये चीज केकेआर में नजर आएगा, टॉप 4 ने नहीं किया तो रसल और दिनेश कार्तिक ने आके किया, तो अगर ऊपर से रन किए तो नीचे इनके रन नहीं है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनता है रनों में, तो फिर भी मुझे केकेआर थोड़ी स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर बॉलिंग की वजह से भी दिखती है। चलिए केकेआर की बात करें अमित भाई, क्या एक पॉसिबिलिटी बनती है एक ओवरसीज सीमर की टीम में आने की, चाहे टॉम कुरन हो, मिचेल जॉनसन हो, कोई एक सीमर इंट्रोड्यूस हो सकता है? एक बनता है क्योंकि जिस तरह से बॉलिंग सेलर्स की हुई है मुझे लगा नहीं है कहीं भी इम्पैक्ट, हाँ वो उस टीम के अंदर कहीं जगह बना रहे हो, एक ओवर डलता उसके बाद कहीं नजर नहीं आते जी। वही अगर पहले मैच में तो लोग कंफ्यूज रहेगी, जब उनको खिलाया था गेंदबाजी उनसे नहीं कराई थी, लोगों को समझ में नहीं आया कि इनको एज ए बैट्समैन लाए हैं, एज ए बॉलर लाए, क्या कराने लाए दिनेश। देखिए जब वही है कि टीम जीती रहती, कहते हैं यार लक्की है तो सेम टीम से चलते, कॉम्बिनेशन बना होता है, पर इस स्टेज में आके आपको कॉम्बिनेशन देखना, क्योंकि आपके अगर रसल ने अच्छी बॉल की है शायद इस मैच में अच्छी बॉलिंग डालते, फिर आप एक ही बॉलर से रहते प्रसिद्ध कृष्णा, तो अगर आपके 3 स्पिनर अच्छे हैं, अगर आप एक अच्छा और बॉलर ला के रखते हैं तो आपका 3 मीडियम पेसर हो जाते हैं, 3 स्पिनर हो जाते हैं, तो आपका हर जो आप सोचते हैं कि हमारे को अगर आज ये बॉलर तो हम इस बॉलर से बॉल डलवा सकते हैं। एक आप लास्ट मैच अगर आप देखें हैदराबाद सीएसके का, हरभजन सिंह की तो हमने बॉलिंग ही नहीं देखी, जबकि आप बॉलिंग नहीं कराई गई, तो ये भी एक चीज देखने को मिली है कि आपने पर्टिकुलर एक बॉलर को प्योर बॉलर खिलाया और उसे बॉलिंग नहीं कराई, तो शायद एक अगर आप जगह भर देते हैं तो शायद मुझे लगता है कि बैलेंस अच्छा क्या है। क्या ये भी चीज़ है अमित भाई, जो कि कुलदीप यादव, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उन्होंने कहा था कि हैदराबाद सनराइजर्स के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ की पिच मुंबई जैसी नहीं है, यहाँ की पिच जो है वो थोड़ी सी टर्न लेगी और ऐसे में सुनील नारायण वो और पीयूष चावला, ये जो ट्रायो का कॉम्बिनेशन होगा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सनराइजर्स हैदराबाद। देखिए अगर आप स्पिन पे खेलेंगे फिर आपको हैदराबाद ज़्यादा तंग करेगी, क्योंकि फिर मेरे को शाकिब भी अच्छा लगता है कि वो शाकिब भी टर्न करेगा, राशिद खान भी है शायद वो आज नाभी को भी खिला सकते हैं अगर उनको लगता है कि हाँ हमें चौथा खिलाना है, बैटवेट को बाहर बिठा के नाभी को भी खिला सकते हैं अगर उनको लगता है कि यहाँ थोड़ी टर्न मिल सकती है, तो शायद ये भी उनका कॉम्बिनेशन बन सकता है, पर वही बात है कि अगर आप कॉम्बिनेशन बनाने में जाओगे फिर आप अपना लाइनअप खोते, क्योंकि लास्ट मैच में देखा अगर बैटवेट रन ना करते शायद उस स्टेज में भी नहीं आती हैदराबाद। तो ये मुकाबले में आज भी मानता हूँ कि हमने जो लास्ट मैच राजस्थान वाला देखा, हमने देखा पहली बॉल से टर्न मिल रहा था और स्पिनर्स ने मैच जिताया, अगर स्पिनर्स अच्छा इस विकेट में बॉल डालेंगे तो मैच जीतेंगे, पर इस अगर पिच पे अगर हमने किसी टीम को 150 रन तक रोक लिया तो आप चेस कर सकते हैं, एक बार 150 रन से ऊपर चलेगा तो चेस करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए अमित भाई एक बार नजर डाल लेते हैं बैटिंग किस तरीके से रही है सनराइजर्स हैदराबाद की, कोलकाता नाइट राइडर्स की, उस पर नजर डालते हैं। शिखर धवन ने 14 मैचों में 437 रन बनाए, 4 अर्धशतक उनके नाम है। केन विलियमसन की अगर हम बात करें जो कि कैप्टन है सनराइजर्स हैदराबाद की, उनकी बल्लेबाजी तो जबरदस्त रही है, 685 रन, 8 अर्धशतक, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कितना कंसिस्टेंट रन रहा है केन विलियमसन का सीजन 11 में। केकेआर की अगर बात करें, क्रिसलिन ने 15 मैचों में 443 रन बनाए, 3 अर्धशतक उनके नाम रहे, वैसा सीजन नहीं है जैसा पिछली बार था लेकिन अच्छा खासा सीजन। सुनील नारायण 189 का स्ट्राइक रेट है, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं और जब रन बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी तेजी से वो रन बनाते हैं, ऑपोजिशन पर दबाव लाते हैं सीधे सीधे, लेकिन बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी दिनेश कार्तिक की रही है जिन्होंने 490 रन बनाए, एक फिनिशर का रोल जो है वो केकेआर के लिए निभाया है सीजन 11 में।
बैटिंग की हम बात करें, लेकिन अमित भाई बात घूम फिर के वहीं आती है, अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें, दो बल्लेबाज आपके हैं शिखर धवन, केन विलियमसन, उसमें से भी अगर शिखर धवन आउट हो जाते हैं तो फिर दिखता नहीं है कोई, केन विलियमसन भी गाड़ी को एक स्टेज तक खींच सकते हैं, हर बार जरूरी नहीं कि वही मैच जिताएं। देखिए रवि शर्मा ने जो एनालिसिस दिखाया कि इनके इतने रन हैं, अगर शिखर धवन विलियमसन की बात करें टॉप ऑर्डर पे जी, और दिनेश कार्तिक के 5 या 6 नंबर पे, तो आप रन जब आपको बॉले कम मिलेंगे तो आपके रन भी नहीं है कि ओपनर जाके मैच को फिनिश करें। हाँ, तो वही बात आ जाती है कि अगर आपके रन ज्यादा इसलिए बनते हैं कि अगर आप टॉप में खेलते हैं जी, आप नीचे जब फिनिशर वाला रोल होता है उसके अंदर आप 490 रन बना रहे, इसका मतलब आप बैटिंग बहुत ब्रिलियंट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि इतने मौके बल्लेबाज को मिलते नहीं उस ऑर्डर में। तो अगर आप शिखर धवन विलियमसन पे डिपेंड रहेगी हैदराबाद, तो अगर देखो उनके ना यूसुफ पठाने रन किए हैं ना मनीष पांडे, बिल्कुल नहीं चल पाए, किसी के नहीं रन है, साकिब को भी ज्यादा चांस नहीं मिल पाया, ये भी एक कंसर्न है हैदराबाद के, अगर चेस करने जाए, अगर ये दोनों प्लेयर जल्दी आउट हो गए, क्या ये 160 रन चेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो शायद हैदराबाद भी टॉस जीत के पहले बैटिंग करना पसंद करेगा, स्कोर लगाएगा बोर्ड पर, कहेंगे अपनी बॉलिंग पर कहेंगे अगर हम 150 रन नहीं करते हैं तो मैच जीतने जाएंगे, तो यही एक स्ट्रेंथ हैदराबाद की, अगर चेस करने जाएंगे तो मुझको नहीं लगता वो चेस कर पाएंगे। लेकिन एक फैक्टर की बात जो आपने की अमित भाई की, ब्रैथवेट को शायद चेंज करें, लेकिन जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस थी, जिस तरीके की बल्लेबाजी इनफैक्ट उनकी थी, और पहले दो ओवर में जो गेंदबाजी थी, क्या रिस्क लेंगे, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा खोखला नजर आता है, उसमें कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं है कि जो लास्ट में आए रसेल की तरह छक्के चौके लगाए, अगर वो कोई बल्लेबाज है तो वो कार्लोस ब्रैथवेट है। देखिए आपको जब कॉम्बिनेशन बनाना होता है फिर आप इंडियन प्लेयर को भी एक स्पिनर के रूप में किसी भी प्लेयर को ला सकते हैं, क्योंकि संदीप शर्मा का इतना अच्छा मैच, यानी शायद वो संदीप शर्मा को हटा के कहेंगे हाँ सिद्धार्थ कौल और भूमि मारे नए बॉल हो गए, बैटवेट मारे तीसरा, शायद एक स्पिनर एक्स्ट्रा ऐड कर दें इंडियन वाला, तो एक ऑप्शन ये भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि नाबिक खिलाएं, शायद अब ये देखने कौन सा स्पिनर बाहर इंडियन पड़ा है जिसको वो खिला सकते हैं, राइट, तो एक वो एक ऑप्शन इस विकेट पर दिखता है, हाँ अगर वो सेम कॉम्बिनेशन से जाएंगे तो फिर सेम कॉम्बिनेशन ही दिखेगा, कोई हम जो डिस्कस करें उसकी कुछ वो नहीं रहेगा, क्योंकि जो वहाँ पर्टिकुलर ग्राउंड पे हैं वो विकेट कैसा है उस विकेट को देखने के बाद ही आप 11 डिसाइड कर सकते हैं, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि हैदराबाद की क्या सोच उतर रही है अगले मैच में। जी हाँ, लेकिन अमित भाई जबरदस्त गेंदबाजी रही है पूरे टूर्नामेंट में, पूरे सीजन की अगर बात की जाए, पिछले 3-4 मैचेस से रिदम गड़बड़ाया, हालांकि जो पिछला मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उसमें जबरदस्त गेंदबाजी रही थी, बॉलिंग कार्ड एक बार देख लेते हैं, राशिद खान ने 18 विकेट लिए 15 मैचेस में, और ये एक बहुत बड़े ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं ईडन गार्डन्स की विकेट पर। इसके अलावा बात सिद्धार्थ कौल की करें, 15 मैचेस में उन्होंने 19 विकेट लिए हैं, 3 विकेट लेना 23 रन पर, ये उनका बेस्ट परफॉर्मेंस और इकोनॉमी रेट है 8 का। इसके अलावा बात की जाए साकिबुल हसन की, तो 15 मैचेस में उनके नाम हैं 13 विकेट, तो गेंदबाजी बहुत बड़ा पहलू रहा है, हालांकि लास्ट 4 मैचेस की बात करें तो गेंदबाजी उनको मैच नहीं जिता पाई। संदीप शर्मा की बात करें 11 मैचेस में उन्होंने 11 विकेट लिए हैं, तो ये बॉलिंग कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ केकेआर की अगर बात करें, सुनील नरेन 15 मैचों में 16 विकेट ले चुके हैं, रन भी बहुत बनाए सुनील नरेन ने और तेज गति से बनाए हैं। कुलदीप यादव ने 15 मैचेस में 15 विकेट लिए हैं, और ईडन गार्डन्स की कंडीशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। पीयूष चावला की अगर बात करें, 15 मैचेस में उनके नाम हैं 13 विकेट, तो ये बॉलिंग कार्ड हमने आपको दिखाया किस तरीके की गेंदबाजी रही है। और अमित भाई पिछला जो मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, शायद उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रही केन विलियमसन के साथ, कि उनको जो ओवर करवाना था भुवनेश्वर कुमार से, कार्लोस ब्रैथवेट से करवाया, शायद अपनी गलतियों से सबक लेंगे इस मुकाबले में, और बॉलिंग कॉम्बिनेशन, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार भी हैं सिद्धार्थ कौल भी हैं, डेथ ओवर्स में ये बड़े ट्रंप कार्ड होंगे उनके लिए। एक चीज इस आईपीएल में देखे कि जो 18वां 19वां ओवर है ना वो इंपॉर्टेंट ना कि 20वां जी, अगर आप ज्यादा से ज्यादा रन छोड़ना चाहते हैं 20वें ओवर के लिए, क्योंकि आप 20वें ओवर में जितने रन बचेंगे आपका अच्छा बॉलर भी खा सकता है जी, ऐसे नहीं कि खा नहीं सकता, पर जो 6 रन जाएंगे उसमें भूमि भी कुछ नहीं कर सकता था। पर जो सबसे बड़ी गलती विलियमसन से ये हुई कि जो प्लेयर पूरा सीजन आईपीएल खेला ही नहीं जी, अगर ब्रैथवेट की बात करो 1-2 मैच खेला है, अगर आप उस पर भरोसा 18वें ओवर में दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी ये रणनीति गलत हुई। अगर आप अपने संदीप शर्मा था, उनके पास भूवी था, मतलब ये ऑप्शन को कॉल ऑलरेडी ओवर डाल चुके थे, तो ये दो ऑप्शन थे। उसके बाद ये अगर आप एक बॉलर जिसने पूरे टूर्नामेंट खेले उस टाइम बॉल करेंगे तो शायद ये गलती करके शायद आज के मैच में वही गलती ना दोहराएं कि जब पर्टिकुलर बॉलर आपका मेन बॉलर है वही 18-19 ओवर डालें। जी हाँ, लेकिन अमित भाई कप्तानों की भी जंग होगी, क्योंकि दिनेश कार्तिक, उनको कप्तानी मिली अचानक से निदासा ट्रॉफी में, तो उनकी किस्मत चमक ही रही थी जिस तरीके से उन्होंने मैच जिताया, उसके बाद कप्तानी मिली बहुत अच्छा आगे तक ले गए अपनी टीम को। वहीं केन विलियमसन, उनको भी एक्सीडेंटल कप्तानी मिली क्योंकि डेविड वार्नर नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छा दोनों कप्तानों ने लीड किया अपनी साइड को। देखिए कप्तानी मैं कहता हूँ कप्तान नेचुरल होता है, आप ये नहीं कप्तान बनाया नहीं जाता, कप्तान के अंदर खुद इंस्टिंक्ट होते हैं कि वो क्या डिसीजन ले सकता है। अगर डिसीजन लेने की बात करो, दिनेश कार्तिक डिसीजन कई ऐसे लिए कि नीतीश राणा को एक ओवर का उसने 2 आउट कर दिए, विराट कोहली भी डिविलियर्स, कई बार देखा कि बॉम्बे के अंदर मैच हो नीतीश राणा से पहले ओवर करा दी, तो कई होते हैं कि जो आपको डिसीजन होते हैं, अगर वो डिसीजन अच्छा हो गया तो आपको तारीफ मिलेगी, अगर वो गलत हो गया तो बैकफायर हो, जो लास्ट मैच में
विलियमसन के साथ हुआ जी, तो कप्तानी भी वही चीज़ है, अगर आपके डिसीजन अच्छे रहेंगे तो हमेशा आपको कप्तानी की प्रेज मिलेगी, हाँ ये कप्तान गट्सियस ने डिसीजन लिया। अगर जो कप्तान डिसीजन नहीं लेगा तो फिर कहेंगे ये क्या वैसा कप्तानी, तो कई चीज़ें आपकी विनिंग में मैटर करते हैं कि अगर आप मैच जीते रहोगे तो आपकी कप्तानी को कहेंगे बहुत अच्छी कप्तानी करी। एक अश्विन उदाहरण है, पहले 7 मैच में 5 मैच जीते, टॉप पे बैठे, 7वें नंबर पे खत्म किया, तो उन्होंने कप्तानी गंदी नहीं की पर टीम ने परफॉर्मेंस ऐसा किया तो उनको कहीं, वो ऐसे कप्तान है वो छुप गए इस टूर्नामेंट के अंदर, शायद अगर ये टॉप 4 में होता तो शायद उनकी भी आज डिस्कशन हो रही होती। जी हाँ बिल्कुल, और बात आंद्रे रसेल की भी कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं केकेआर के और दिनेश कार्तिक, उन पे रिलाय करेंगे कि आखिरी ओवर्स में आए, उनकी जरूरत पड़े तो छक्के चौके लगाएं, वो कुछ कर रहे थे, फैंस के बीच पहुंचे तो क्या हुआ? ये तो बात थी आंद्रे रसेल की, लेकिन बात ड्वेन ब्रावो की भी कर लेते हैं जो कि रंधावॉट गाना उन्होंने बनाया और अब सीएसके और धोनी के लिए गाना बना रहे हैं। चलिए अब बात विराट कोहली की भी कर लेते हैं। रवि शास्त्री ने विराट कोहली का बचाव किया, उन्होंने कहा कि विराट कोहली कोई मशीन नहीं है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पर कोच रवि शास्त्री का बयान। कोहली की चोट को लेकर हेड कोच शास्त्री ने साधा बीसीसीआई पर निशाना। शास्त्री ने कहा मशीन नहीं इंसान है विराट। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली काउंटी क्रिकेट खेलकर इंग्लैंड दौरे की तैयारी करना चाहते थे। कोहली ने काउंटी टीम सरे के साथ 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया था और विराट कुछ ही दिनों में काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड रवाना होने वाले थे, लेकिन गर्दन की चोट की वजह से कोहली की सारी प्लानिंग फेल हो गई और अब कोहली के इंग्लैंड में होने वाली T20 और वनडे सीरीज में खेलने को लेकर भी संशय बना हुआ है, जिससे भारत के इंग्लैंड दौरे की तैयारियों को करारा झटका लगा है और इसने टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री को भी परेशान कर दिया है। शास्त्री का मानना है कि अगर पहले ही विराट का वर्कलोड कम कर दिया गया होता और कोहली को क्रिकेटर की जगह मशीन नहीं समझा गया होता तो फिर विराट इस तरह के बड़े दौरे से पहले अनफिट नहीं होते। विराट को लेकर शास्त्री ने कहा है विराट कोहली कोई मशीन नहीं है कि उसकी पीठ पर रॉकेट लगाकर मैदान पर दौड़ा दे और वो रॉकेट की तरह उड़ान भरने लगे। विराट भी एक इंसान है और उसे भी लगातार क्रिकेट के बीच आराम की जरूरत होती है। विराट को काउंटी क्रिकेट से हटने का फैसला चोट की वजह से लेना पड़ा। बीसीसीआई की प्रेस रिलीज के मुताबिक कोहली को आईपीएल के मैच के दौरान गर्दन में चोट लगी थी और बीसीसीआई नहीं चाहता था कि आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे से पहले कोहली की चोट गंभीर हो। इस वक्त